वेलकम बैक पीजी चामी टू द चैनल गाइस। आज हम लोग खेल रहे हैं पोकेमॉन सनफ्लेयर, जहाँ पे गाइस आज अपन लोग को जाना है जियोवानी को हराने। एंड उसको हराने के बाद भाई अपन लोग को मिल जाएगा अपना आखिरी जिम बैज। एंड उसके बाद सबको पता ही भाई चैंपियनशिप में पार्ट ले पाएंगे भाई, कांटो लीग के अंदर भाई पहुंच जाएंगे। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा मजा आएगा। चलो चलते फटाफट, एक मिनट, विरडे सिटी के अंदर हम लोग फ्लाई करके नहीं जा सकते? ये क्या भाई पागलपंती है यार, ऐसा थोड़ी होता है ये गेम भाई। थोड़ा मतलब दिमाग ख़राब किया भाई इस सीन ने। अरे यार ये क्यों, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और एक बंदे ने भाई मेरे को बोला था शॉपिंग करने के लिए, सॉरी ब्रो, मैंने बोला था स्टार्टिंग में कर लेंगे, बट कोई बात नहीं अभी करते, टेंशन नॉट ब्रो, अपन करेंगे शॉपिंग, टेंशन नॉट, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हो जाती है गलतियाँ। मेरे को सिनेमा आइलैंड के अंदर कर लेना चाहता, बट कोई बात नहीं अभी शॉपिंग करते। वेट वेट वेट, ओके। अरे यार, अरे क्या हो रहा है। ओके चलो चलते यहाँ से। ये वैसे कौन सी जगह, अच्छा यहाँ से ऊपर ऊपर से निकलना है भाई हम लोग को। पता नहीं भाई वहाँ पे मैं फ्लाई यूज़ क्यों नहीं कर पाया भाई, आई डोंट नो। ओके अच्छा यहाँ से शॉर्ट कर लें ये तो, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट फ्लाई करके प्यूटर सिटी जाता, फिर प्यूटर सिटी से वहाँ से भी हम लोग को मिल जाता भाई, बट उतना दिमाग मैंने लगाया नहीं, तो कोई बात नहीं चलता है। उस टाइम पर दिमाग मैंने नहीं लगाया, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वही चीज़ करना ही पड़ा। इसीलिए बोलते कभी कभी दिमाग लगाना भी अच्छा होता है, कभी कभी थोड़ा ख़राब सीन हो जाता भाई दिमाग लगाने के बाद भी। वैसे यहाँ पे पोकेमॉन होगा, अरे कहाँ फंस गया भाई, कहीं भी घुस जाता हूँ भाई मैं कूद काद के। अरे 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 कूदम कूदी, बस कर भाई बस कर, ज़्यादा मत कूद। ये क्या है, पोकेमॉन सेंटर तो है। अच्छा पोकेमॉन किधर भाई, इसमें नहीं है क्या पोकेमॉन, ये गेम भंगा रही क्या, लगता तो है घमंग गेम अच्छा है। अरे चल भाई चल, ओके पोकेमॉन का भाई आई एम सॉरी ब्रो, बट पोकेमॉन एक काम करते, पहले जियोवानी को धोते फिर आइटम की शॉपिंग करेंगे, बिकॉज अभी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आइटम्स। जब तक इलाइट फोर से पंगा लेने ना जाओ तब तक आइटम एक टाइम पे बेफिक्र हो सकते हो भाई, क्योंकि उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। बट एक बार अगर जा रहे हो ना भाई तुम उधर, तो समझ के जाना भाई बहुत तगड़ा नाम ख़राब होगा तुम्हारा अगर तुम आइटम के बिना गए। अगर तुम हार गए तो नाम तो ख़राब होना ही है भाई। और मैं यहाँ पे आके डायरेक्टली हीलिंग क्यों कराने गया पता है, अगर यहाँ पे मैं हारता भी हूँ तो फिर मेरे को दिक्कत नहीं होगी भाई, डायरेक्टली मेरे को इसी सिटी की पोकेमॉन सेंटर में ट्रांसफ़र हो जाएगा मैं। वरना अगर नहीं यहाँ पे मैं हीलिंग नहीं कराता ना यहाँ के अंदर जो है, तो डायरेक्टली मेरे को फेंक दिया जाता भाई सिनेवर आइलैंड के ऊपर। और ये पिकाचू को एक बंदे ने एक अटैक सिखाने को भी बोला था भाई, मैं भूल गया, बट अभी याद आया भाई, अभी याद आया, मैं सिखाऊंगा, टेंशन नॉट, अभी अभी करेंगे, अभी अभी इसको हराने के बाद। वाटर रिम जी ठोक देते इसको पहले, फिर बात करेंगे। अरे यार वाटर डी वाटर रिम जी से फेंट नहीं होते ना, आईसी कैसे मिस हुआ भाई, आईसी फेंट क्या दिक्कत क्या है बताओ। जब नन्हे मुन्ने ट्रेनर लोग का लेवल मेरे पोकेमॉन से ज़्यादा है, तो तुम अज्यूम कर सकते हो भाई कि जो अपना यहाँ का जिम लीडर है जियोवानी, उसके पोकेमॉन के लेवल तो भाई लिटरली बहुत ज़्यादा होने वाले भाई। आई थिंक 60-60 होंगे भाई, 60-60 तो हो जाएंगे भाई। ग्रेनिंजा को फेन कर दिया भाई, बंदे में दम है, बस और भैया हैमर आम ही मार, एक काम करो तुम। चलो बहुत अच्छा हैमर आम पड़ा भाई रास्त। अरे भाई इसके पास काफ़ी ज़्यादा पोकेमॉन है यार, फ्लाइंग भाई गंदा सीन हो रहा है यहाँ पे यार। पिकाचू तो एकदम गंदा है यार, मतलब एक एक अटैक में फेंट हो जाता भाई, इतना वीक डिफेंस यार, कैसे यार। इसके लिए मेरे को पिकाचू पसंद नहीं है भाई, एकदम गंदा काम होता है भाई उसका, इतना भाई मतलब इतना फेंट हो जाता भाई, एक अटैक में फेंट हो जाता भाई, लिटरली ऐसा थोड़ी होता है भाई, इतना वीक डिफेंस है भाई पिकाचू का। ये देखो यार, नहीं नहीं ग्रास नॉट से कुछ नहीं होने वाला था। ओके हैमर आर्म से उतना डैमेज नहीं पड़ रहा है, फ्लाइंग यही मारते, ग्रास नॉट मारे जा रही बार बार ये। फेरी क्या, फेरी ग्रास है, नहीं नहीं नो 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 नो। अरे यार अल्ट्रा बीस होकर फेंट हो गया, अगर ये फ्लेम थोड़ा अच्छा डैमेज देना चाहिए। फेंट 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 फेंट, अरे यार नहीं भाई कौन आ रहा है, ब्रियोनिया पता नहीं कौन से टाइपिंग है इसकी, डबल किक ट्राई भी कर लेते भाई, ये भी कम ही डैमेज दिया भाई। अरे यार गलती से हुआ, सॉरी फॉर दिस। फ्लेम थ्रोर मेरे को लग रहा है ना जीवानी मेरी वाट लगाए, एकदम दबा के वाट लगाएगा भाई आज तो। ये आ गई फिर फ्लेम थ्रोर से, नहीं 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 नहीं, अरे वाह बहुत बढ़िया इंसाइन और बहुत बढ़िया वीनासोरस। अरे यार ये मेरा क्या है भाई यार, ये क्या उंगलियाँ है, कंट्रोल छोटी की तो यार दिमाग ख़राब हो गया मेरा भी, इतना गंदा सीन हुआ ना ये। अरे एक HP सर्वाइव, वो मैं फेंट कर देगा बट खुद भी हो जाएगा, दोनों गए, बट जीतूंगा मैं क्योंकि मेरे पास पोकेमॉन बचे हुए। गंदा कर दिया भाई अपने सीन यहाँ पे, खतरी है। अरे
भैया ये कैसा ग्लिच है यार, गजब टोपी माज ग्लिच है यार ये तो। OMG रूट वन विरिडियन सिटी, गजब यार गजब, आई हैव फ्लाई, गजब ग्लिच है यार ये तो। अगर फ्लाई नहीं होता ना लिटरली फंस जाता भाई मैं। अरे यार कोई बात नहीं, फ्यूटर सिटी में चलते हैं। गजब ग्लिच है यार ये, गजब गजब भाई गजब, गजब भाई गजब यार, मतलब हद है यार, इतना भयंकर, मतलब गजब यार गजब गजब मतलब बहुत खतरनाक गली भाई, खतरी खतरी बोलते ना ऐसा, खतरी गली चाहिए। अरे निकल ले पतली गली से, वो पता है बाइसाइकिल जब मेरे हाथ में रहेगी ना कंट्रोल होने सर आमिर से, खतरी है भाई ये तो। इससे अच्छा तो हार ही जाओ जिम के अंदर। एक मिनट को यहाँ पे हील कराना पड़ेगा फिर से, यहाँ पे है क्या पोकेमार्ट, यहाँ पे नहीं जाना मेरे को भाई। गंदा अलग ग्लिच था भाई ये जिम के अंदर, जिम का दरवाज़ा तोड़ के निकलना पड़ेगा भाई हमें, मतलब दीवार में होल करके निकलना पड़ेगा क्योंकि दरवाजे पे ग्लिच है भाई, खतरनाक खतरनाक सीन भाई। अरे यार क्या, एक तो पोकेमॉन सेंटर इतना कोने में कौन रखता है यार, कौन नालायक बंदा है, कौन बनाए गेम को यार, नालायक इंसान इतना कोपचे में भाई। देखो मैं मस्ती मस्ती में बोल रहा हूँ भाई, सीरियसली मत लेना, गेम बनाने में बहुत मेहनत लगता है, फट जाता है भाई पिछवाड़ा बनाते बनाते गेम, इतना कोडिंग वगैरह डालना पड़ता है भाई इसके अंदर, टेस्टिंग करो कोडिंग करो ये करो करो, दिमाग ख़राब हो जाता है भाई। तो मस्ती मस्ती में चाहे जो बोल देता बट मैं सबकी इज्जत करता भाई, वो एक फ़न पार्ट है, बाकी उसको सीरियसली मत लेना भाई, गेम बनाने में फट जाती है अच्छे अच्छे लोगों की। तो ऐसे मस्ती मस्ती में बोलना आसान होता है बट जब बनाने बैठोगे ना तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी, तो उसके लिए किसी को कुछ नहीं बोलने का भाई, सब अच्छा काम करती है अपने हिसाब से, कोई जानबूझ के बुरा काम नहीं करता गाइस, गलतियाँ सबसे होती है, तुम भी इंसान हो, गेम बनाने वाला भी इंसान ही है मेरे हिसाब से तो, बिकॉज जानवर तो बना नहीं सकता भाई। अरे यार इसके पास भी 5 पोकेमॉन है यार, एक तो ये मेरे नल्ले पोकेमॉन इवॉल्व नहीं हुए अभी तक। ग्रेनिंजा भाई देखो उम्मीद है तेरे से तोड़ना मत, मैंने फिर वही गलती की यार, मैंने हद पार कर देता हूँ, मैं हद पार कर देता हूँ, सच बता रहा हूँ मैं हद पार कर देता हूँ भाई, मैं हद पार कर देता हूँ ना, मेरे को बहुत गुस्सा आता है जब मैं हद पार करता हूँ भाई इतनी। अबे क्या करता हूँ मेरे को क्या मालूम भाई, क्या चर्बी चढ़ा है मेरे को पता नहीं। अरे हो जा, अरे मत मार भैया, गजब लोग हैं यार ये लोग, गजब लोग हैं। तेरे को भी कुछ फ्लेम थ्रोअर ट्राई कर भाई, कुछ नहीं हुआ, अर्थक्वेक ज़्यादा ही डैमेज देगा, हाँ ज़्यादा ही दिया, डबल किक मार, चुल्लू भर बच गया भाई चुल्लू भर, ये मैच हारेंगे लगता है, ये मैच हारेंगे भाई। जीवानी मेरे को कतई बोल रहा हूँ भाई, धोने वाले मेरे को कतई धोने वाले, वो पैंट फाड़ देगा मार मार के, देख लेना तुम। अरे बात मेरे को पहले क्यों नहीं याद आई भाई, चलो कोई बात नहीं, देर आया दुरुस्त आया, आया ना वही बड़ी बात है, बहुत लोग तो आते भी नहीं है, ट्राई फेलियर के डर से भाई। अरे भैया एक मिनट, म्यूटू इसके पास कैसे आ सकता है भाई, ये तो जीवानी के पास होना चाहिए। अबे नल्ले इंसान क्या कर रहा है तू, तो वो पता भी है तू क्या कर रहा है, म्यूटू से साइकिक टाइप पोकेमॉन एंड साइकिक के ऊपर डार्क टाइप, आई थिंक ख़त्म है, अब कुछ नहीं हो सकता, नहीं कुछ नहीं होगा अभी, नहीं भाई कुछ नहीं हो सकता अभी, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा अभी, 100% कुछ नहीं होगा। म्यूटू को कहाँ हरा पाओगे यार तुम, क्या सपना देख रहे हो, सपना ही देखो बस बस, हाँ सपना ही देखो बस ना, और क्या आए बड़े म्यूटू को हराने, लेवल देख रहे हो, देखे हो लेवल, नहीं पिकाचू नहीं, ये तो एकदम इसको तो हटाओ अभी, मैं पीसी के अंदर डालेगा इसको, एकदम बेकार पोकेमॉन भाई, एक अटैक में फेंट हो जाता भाई, हट, ऐसा थोड़ी होता है किधर, अबे अकल नाम की चीज़ है, इज्जत बेच खाली यार, हट अब, ये जिम बैटल छोड़ दो, अभी सीधा आइलैंड्स पे चलो, ये ना हो पाएगा फिलहाल, ये अपने बस का रोग नहीं, चलो जान दो अभी, जान दो ये नहीं होगा भाई अब। म्यूटू ने भाई डिस्ट्रॉय कर दिया अपन को भाई, अब कुछ नहीं हो सकता, अब म्यूटू को हराने के लिए भाई अब अपन को चलना पड़ेगा आइलैंड्स पे, अब वहाँ पे थोड़ा आइलैंड पे घूम घाम के आते भी, यहाँ पे चलो आखिरी जिम बैटल है और आइलैंड पे अपन को जाना ही पड़ेगा, तो पहले आइलैंड होके आते भाई, चल भैया अभी लेके चल, नहीं 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 मत लेके चल, अच्छा लेके चली चली काम कर, लेके चल भाई, अब जिम बैटल नहीं हो पाएगा भाई, रहने दो, जिम बैटल कहाँ कर पाओगे भाई अभी, अब नहीं हो पाएगा भाई जिम बैटल। हेलो मिस्टर सीलियो कैसे हो, हेलो 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 मैन, हेलो हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो सुन लो सुन लो सुन लो, अरे छोड़ यार, अरे अरे भाई बस बस हो गया अभी, ओके अरे ठीक है ना, ठीक है सर, ठीक है ठीक, अरे बस कर यार छोड़ दे, पकड़ लेते तो छोड़ते ही नहीं है लोग। ओके अब यहाँ पे अपन को चलना है एक चीज़ करने, मैंने ये पोकेमोन लेट्स को पिकाचू के अंदर भाई ऑलरेडी भी कुछ दिनों पहले किया तो मेरे को एकदम अच्छे से याद है, मैं शॉपिंग नहीं किया भाई। कोई बात नहीं, चलता है, चलो ठीक है यार, चलता है, नॉर्मल चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है, शॉपिंग नहीं किया, ये रोज़ की आदत मेरी, पहली बार नहीं ऐसी गलती कर रहा हूँ, मैं बार बार करता हूँ। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ याद आया एक चीज़, वॉटर टोटल को भी भेज देते, इन दोनों को इवॉल्व करते हैं यार गाइस, आज बहुत हो गया नाटक, अभी इन दोनों को इवॉल्व करना ही पड़ेगा, बहुत टाइम से इंतजार कर रहा हूँ इवॉल्व हो जाए, इवॉल्व हो जाए, हो ही नहीं रहे भाई ये लोग इवॉल्व, हो जाओ भाई आज तो हो जाओ, नहीं हुए इवॉल्व, ये दोनों कमज़ोर पोखे हैं मेरी टीम में, अरे यार चलो इनको फेंट करने के बाद शायद हो जाए। पिकाचू थंडर मार, एलिकिट के ऊपर तो ज़्यादा डैमेज पड़ता ही नहीं थंडर से, डिस्चार्ज होकर पिकाचू को मारा, चलो लेवल का फ़ायदा मिल गया, पिकाचू ने उसको फेंट किया, ओके कम्बस्कन इवॉल्व होगा, बहुत बढ़िया, बूम गाइस कम्बस्कन इज इवॉल्विंग, कम्बस्कन इज इवॉल्विंग एंड ब्लेजिंग इन, ब्लेजिंग इन, ब्लेजिंग इन, मेरा फेवरेट पोकेमोन है भाई सिनो के स्टार्टर्स में से, काफ़ी सारे लोग का सबटाइल होगा भाई बट मेरा फेवरेट है ब्लेजिंग इन, स्वैम्पर भी काफ़ी अच्छा भाई, उसके स्टार्ट्स काफ़ी अच्छे, उसकी टाइपिंग एकदम बढ़िया है भाई, वाटर प्लस ग्राउंड भाई उसका एडवांटेज ही, मतलब उसका जो डिसएडवांटेज है वही एडवांटेज है, क्योंकि देखो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक टाइप अटैक सुपर इफेक्टिव होते हैं बट ग्राउंड टाइप होने की वजह से उसके ऊपर इलेक्ट्रिक टाइप चिल्लू पर डैमेज भी नहीं देते, बट हाँ ग्रास टाइप से वो डबल ट्रिपल चौपल वीक हो जाता है तो वो दिक्कत है। बाकी ब्लेज किक सीख रहा भाई और इस क्रैश हटाओ, और हाँ मैं क्या करने वाला था ना, हाँ याद आया, मैं बोलते बोलते थक जाता हूँ बट खुद करता नहीं वो चीज़, मेरी बहुत गंदी आदत है मेरी। वाटरियम जी नहीं, किसी को नहीं सिखाना, एक बंदे ने मेरे को लगता भाई पिकाचू को इलेक्ट्रियम जी सिखा दे, ठीक है मेरे पास वो, पहले ये देखने दो, हाँ है इलेक्ट्रियम जी पिकाचू को, हाँ ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जो भी हो जो भी हो जो भी हो, हट डिलीट क्या करूँ बे मैं, 255 का डैमेज देगा, काम कर दो क्विक अटैक जान दो, क्विक अटैक जान दो नहीं ज़रूरत, और क्या फायर एम जी किसको नहीं सिखाना, एरियल सिखा देते काम कर देगा, कभी ब्लेज गेम को सिखा दे, ब्लेज गेम के साथ सब बेकार बेकार अटैक से फिलहाल, सब सस्ते वाले अटैक से भाई ब्लेजिंग के पास, हाई डैमेज हो रही है ही नहीं कुछ, डार्क टाइप नहीं चाहिए, फायर टाइप इतने भी खतरनाक नहीं है, फाइटिंग टाइप भी सिखा देते, ब्लेजिंग तो सीख ही जाएगा, चलो एम्बर को हटा देते भाई, ब्लेज की खेल के पास जो अच्छा है, एम्बर की क्या ही ज़रूरत है, फिर डिक सिखा देते अगर कोई सीखेगा तो, वॉ टोटल इंसान रोल को सिखा देते भाई, इंसान रोल के पास है डबल किक फ्लेयर ब्लीज, फ्लेम थ्रोर नहीं हटा सकते ना, फ्लेयर ब्लिस भाई काफ़ी गंदा रिकॉइल देता है तो रिंदो इंसान रोज को, उसके पास अच्छे मूव्स हैं, वाटर डल के पास देखते हैं, टैकल जान दो भाई, टैकल पहले नंबर पर था, उसको फिर से हटाओ, ओके चलो अभी यहाँ पे चलते आगे, अरे भैया क्या बात है भाई, तैयारी खड़ा था भाई, आ जाओ आ जाओ संजय भाई आ जा, बता दो तेरे को मार भैया इसको, एक ब्लेस की काफ़ी अच्छा डैमेज पड़ा, बहुत बढ़िया पैरालाइज हो गया, अरे नहीं 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 फेंट मत होना, फेंट मत होना, 3 HP सर्वाइव किया है, चलो कोई बात नहीं, उसके लिए मेरे पास ग्राउंड ही पोखे नहीं है भाई, ओनली स्टार्टर चैलेंज मैंने करने की सोची तो थी बट अभी दिक्कत हो रहा है भाई, ओनली स्टार्टर चैलेंज में धुलाई हो रही है अच्छे से मेरी, हैमराम अरे वाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रही है यार, जस्ट लेवल अप होने वाला था, जस्ट होने वाला था, कबूटॉप्स चलो ठीक है, हैमराम मेटल साउंड ओके, डिफेंस स्पेशल डिफेंस फेल हो गया भाई, काफ़ी गंदा वाला इसमें फेल किया भाई, बजवल की स्पीड कम होती जा रही भाई हैमर आम से बार बार, कोई बात नहीं, ये कौन है भाई आर्मोर ड्रिलर, ये मेरे को ना नाम ना भाई बेंटन के एलियंस जैसे लग रहे भाई थोड़े बहुत, आर्मोर ड्रिलर सच में भाई बेंटन के एलियंस जो होते ना उनके भाई नाम मेरे को ऐसा चुराए हुए लग रहे भाई, गजब बात है भाई ये, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा मेरे को बट हाँ लग रहा है, लग रहा है तो लग रहा है ना भाई, क्या बताऊँ मैं अभी, अरे यार मैं चिपक गया डायरेक्ट जाके भाई, दोनों कपल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए बट कोई बात नहीं, ब्लेजिकिन तो रहने दे भाई, तेरे से ना हो पाएगा भाई, बस उन लोगों को भेजते हैं, पिकाचू भाई इलेक्ट्रिजम जी एक को तो फेन कर ही देगा इतना तो गारंटी है, नहीं पिकाचू नहीं ओके, पिकाचू फ्लिंच हो गया यार, गंदा यार गंदा सीन हुआ, हैमराम फाइटिंग है फ्लाइंग है,
इसको शिकार बनाते हैं। पिकाचू इलेक्ट्रिक नॉइवन को मार, नहीं पिकाचू ओके बच गया। पेंट 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 पेंट, अरे यार अब नहीं मार सकते, थंडर मार, नहीं नहीं पिकाचू, पिकाचू गया यार। इंसान रोर इंसान रोर इंसान रोर, अरे रे भाई जस्ट फेंट होते होते बचा। हैमर आर्म एंड फ्लेम थ्रो इसको, सुपर फैंग नहीं 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 नहीं, अरे भाई गंदा डैमेज पड़ रहा भाई, गंदा डैमेज। ओके एक गया, नाइवन गया भाई, ये भी जाना चाहिए जाना चाहिए। लाइगर ओके भी गया, अच्छा चलो कुछ तो अच्छा हुआ भाई। ये लोग से तो बचना मुश्किल है भाई थोड़ा। ट्राई करते क्या, ग्रीन इंजा है अपने पास, बट ये दो हो जाएगा भाई। अरे वाह बच गया भाई, बच गया, एकदम ध्यान लगा के मैंने किया था, बच गया भाई। यहाँ पे तो हीलिंग हो ही जाएगी, चलो भाई एकदम ध्यान लगा के लिटरली में बच गया भाई, एकदम ध्यान लगा के मैंने उस चीज़ को किया है भाई। रिपिल की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है भाई, मज़ा आ गया भाई। ये अंकल मेरे को दे देंगे यहाँ पे, ये अंकल से मेरे को वो मिलेगा, क्या नाम है उसका, पहले एक बार हील करा लेते हैं। हाँ ये देखो यहाँ पे आके हील हो जाता है। ये अंकल अपन को रॉक स्मैश देंगे भाई, ये चीज़ें कॉमन है जो पता है मेरे को। चलो स्ट्रेंथ में लेना भूल गया भाई, सफारी जोन क्या फ्यूचर सिटी है ना वहाँ पे मिल जाता स्ट्रेंथ। ओके अब यहाँ से बच बच के चलना पड़ेगा भाई, यहाँ पे भी काफ़ी सारे स्विमर लोग तैरते रहते हैं। ओके बच के जाना पड़ेगा, ओके बच गया बच गया, ओके पहुँच गया भाई, चलो बहुत बढ़िया। ओपी वाला सीन है यहाँ पे, यहाँ पे देखो ओके व्यू पंच थ्रू एट लास्ट, लेट्स गो ट्रेजर हंटिंग। ट्रेजर हंटिंग भाई लिटरली, डू यू वांटेड टू गो टू ट्रेजर हंटिंग। बाय द वे लोग हट कैसे गए भाई यहाँ पे, चलो कोई भी हो कुछ भी हो, ओके जो भी तुमको करना है। एंड वॉट द पासवर्ड्स एट द रॉकेट वेयर हाउस, आई मीन वॉट यू फॉरगॉट द पासवर्ड, दैट्स एक्चुअली टू। द फर्स्ट वन्स गोल्डन नीड्स लॉग एंड द सेकेंड वन इज हे दिस नूप्स बीन लिसनिंग इन। ओके सो गाइस यहाँ पे देखो ये लोग भाई ऑटोमेटिक हटे हुए, बट अगर ये लोग नहीं हटते ना, मतलब ये जो इनके पीछे जो दरवाज़ा नहीं खुला है ना, तो अगर इनके पीछे जो दरवाज़ा है अगर ये आपको खुला हुआ नहीं मिलता तो आपको करना क्या है, आपको भाई इनसे एक बार आके बात करना है। एंड उसके बाद अपन को भाई वापस से जहाँ पे बिल और सीलू है ना वो लोग से जाके बात करना है, एंड वापस से यहाँ पे आना तो खुल जाएगा। मतलब बिल इनसे बात करना, फिर बिल और सीलू है ना भाई उनके लैब में पहले आइलैंड पे जहाँ पे एकदम स्टार्टिंग में गए थे वहाँ पे जाके उनसे एक बार बात करना, बिल से भी एक बार बात कर लेना, सीलू से भी एक बार बात करना, और वापस आ जाना आपको खुला हुआ मिल जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी मेरे को पहले से ही खुला हुआ मिल रहा है, देखो ऐसा होता है भाई, तो हम लोग यहाँ पे पहले इनको हराने में विश्वास रखते हैं, बाकी बात करेंगे ना, क्या दिक्कत है। सुवाना भाई अगर एक भी अटैक मारती ना वाटर टाइप तो फिर ब्लेजिंग इन गया फिर समझो, इसके लिए ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए पिकाचू यूज़ करो यार और क्या। बूम 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 भाई बहुत बढ़िया पिकाचू, बहुत बढ़िया, अभी अच्छा काम कर रहे तू, पता नहीं तो जिम में क्या हो गया था भाई। अरे कुलाडिन पता नहीं क्या टाइपिंग है इसकी, इलेक्ट्रिक जी मारते हैं, मेरे को ग्रास टाइप लग रहा देखने से पूरा, और चलो फेंट हो गया। ओके कौन आया कौन आया कौन आया, डबल ब्लेड, अरे ये एजी स्लैश, हाँ अरे 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 भैया, अरे 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 भाई 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 पिकाचू ओपी यार। अरे सर्फ, चल सर्फ ही मार दे पिकाचू को भाई, मैंने थोड़ी बेइज्जती क्या कर दी, पिकाचू तो फॉर्म में आ गया भाई, गजब यार, पहले बता था पिकाचू बेइज्जती और कर देता भाई तेरी, भर भर के कर देता थोड़ी। पता है ब्रेकअप के बाद लोग बदल जाते हैं और छोड़ जान दो नहीं बोलना कुछ, बेचारे लोग का ईगो हट हो जाता है यार पता नहीं कैसे बट हो जाता है, ईगो होता भी नहीं फिर भी हट हो जाता है भाई उनका। ये देखो कौन आया भाई, इसको तो धोना है, पिकाचू हराएगा इसको तो, टाउकेन एन भाई ये काफ़ी बेहतरीन पोकेमोन है, बुलेट सेट पता नहीं कैसे सीख गया ये, यूजुअली इसको सीखना नहीं चाहिए बट सीख गया। अगली बार जब मिलूंगा ना तो लेवल मैं अपना 100-100 करके लाऊंगा पोकेमोन का, इतने हाई लेवल के कैसे हो जाते हो तुम लोग, 52 मेरे पोकेमोन के लेवल है, तुम्हारे 57 भाई, फिर तो जीवानी के लेवल भाई लिटरली बता रहा हूँ 60 से तो ऊपर ही होते भाई। अच्छा मैं उससे पंगा ले नहीं गया, कैसे जाता भाई, आगे ही म्यूटू ने धो डाला भाई, मतलब पता नहीं कैसे उसके पास म्यूटू कैसे आया भाई, वो भाई जीवानी के पास होता तो समझता भाई, उसके ट्रेनर के पास कैसे आया म्यूटू, तुम्हें विश्वास हो रहा है भाई, म्यूटू जीवानी के लेवल का पोकेमोन था बट उसके ट्रेनर के पास है, तो समझ जाओ म्यूटू के पास तो आरसीस होगा भाई, आरसीस होगा भाई जीवानी के पास, मतलब म्यूटू उसके नन्हे मुन्ने ट्रेनर के पास है तो फिर उसके पास तो आरसीस ही होना चाहिए भाई, क्योंकि म्यूटू को आरसीस ही हरा सकता है या फिर मेगा रिक्यूजा, हाँ म्यूटू को, बट मेगा म्यूटू को मेगा रिक्यूजा मेरे ख्याल से तो नहीं हरा पाएगा भाई, म्यूटू को मेगा रिक्यूजा हरा देगा भाई, ये तो है।
बट मेगा म्यूटू को भाई बहुत मुश्किल है, और मेगा रिक्वेजा मेरे को नहीं लगता कि हरा पाएगा मेगा म्यूटू को, बट हरा भी सकते हैं भाई, रिक्वेजा भी कुछ कम नहीं है भाई। आप लोग बताना अगर मेगा म्यूटू और मेगा रिक्वेजा में बैटल होगा तो कौन जीतेगा। अब म्यूटू की भी दो फॉर्म है भाई मेगा इवोल्यूशन में, आपका कौन सा फेवरेट बता देना, कौन जीतेगा ये भी बता देना भाई, बाकी तो कोई बात नहीं। ए भैया ए रैटेटा, अभी यहाँ पे वो यूज़ करने की जरूरत ना पड़े स्ट्रेंथ की, मेरे पास है नहीं एक्चुअली स्ट्रेंथ, फंस जाऊँगा अगर स्ट्रेंथ यूज़ करने की जरूरत पड़ेगी तो। देखते हैं स्ट्रेंथ है क्या मेरे पास, मैंने बूढ़ो अंकल से लिया नहीं था ना वैसे, नहीं है स्ट्रेंथ, फंसने वाला मेरे को लग रहा भाई, अगर यूज़ करने का थोड़ा सा भी जरूरत पड़ा मैं फंस जाऊँगा, अटक ही जाऊँगा भाई। हाँ गयो भाई गयो, सपने पूरे बर्बाद, चकना चूर, कोई पोकेमोन को नहीं आता भाई स्ट्रेंथ, नहीं आता भाई, सपने पूरे बर्बाद, डिक से लिख लो यहाँ से, अब स्ट्रेंथ नहीं है मेरे पास। चलो अब आइलैंड पे बिल से बात करते थोड़ा, देखते क्या देता भाई ऑप्शन। ओके भाई अपने पास क्या बोलो अभी, मतलब रास्ते कुछ नहीं बचे अभी, अब अगर आइलैंड पर नहीं जाने को ना भाई मेरे को गेम नहीं सेव करना पड़ेगा, मतलब अगर मैं गेम सेव कर दिया ना फिर दिक्कत हो जाएगा, बिकॉज आइलैंड पे अगर यहाँ पे अटक नहीं सकते ना भाई अपन। बिल भैया सुन ले बतिया, मेरे को वर्मिलियन सिटी जाने दे, फिर मैं आता हूँ, वर्मिलियन जाने दो भाई, मेरे को पता नहीं पास दिया कि नहीं इसने, वर्मिलियन जाने को मिलेगा कि नहीं क्या मालूम भाई। टू आइलैंड थ्री, अबे यार कैसे काम चलेगा यार, हट दे यार, ये क्या बे, ये क्या ग्लिच है, थ्री आइलैंड इधर, ये तो छोड़ दो भाई, टू पे लेके चल, अरे वन आइलैंड पे क्या करने को लेके आ रहा है भाई, टू पे लेके चल मेरे को भाई, मैं पता नहीं क्या होगा अभी मेरे साथ, एक मिनट रुको, क्या मैं मैप स्विचिंग कर सकता हूँ यहाँ पे, मतलब आई थिंक शो कर सकता हूँ मैं साथ से, कांटो का मैप मिलेगा भाई प्लीज़, अरे नहीं मिल रहा भाई कांटो का मैप भाई, कैसे काम चलेगा फिर भाई, कैसे काम होगा भाई अपना, कैंसिल है ये भाई, कैंसिल है, मतलब कैसे काम चलेगा भाई, तुम ही बताओ यार क्या होगा अभी, अब क्या करूँ भाई मैं, क्या करूँ मतलब, अब क्या बिगाड़ लूँगा मैं, क्या करूँ यार मैं, छोड़ो अभी कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं हो सकता, नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन राइट नाउ, मेन चीज़ ही नहीं है भाई अपने पास। चलो कोई बात नहीं, अपन गेम फॉलोअप करते दिखते जो होगा सो होगा भाई, अगर बिल ने अपन को पास दिया तो दिया, वरना फिर भाई अपने पास नहीं है स्ट्रेंथ तो क्या करो भाई अभी। ओके ये आइलैंड थ्री पे वो लड़की को ढूंढने जाना पड़ेगा अभी, छोकरी को डायरेक्ट फ्लाई कर करके चलते, अपन आइलैंड थ्री पे जाके आए, डायरेक्ट होगा क्या, नहीं जा सकते डायरेक्ट, ओके कोई बात नहीं, अपन भाई गेम को रूल के हिसाब से फॉलो करते बाकी देखते जो होता है। हालांकि अपन को आइलैंड वन पे पहले सब काम करना चाहिए था, और आप लोग ध्यान रखना भाई स्ट्रेंथ लेके आओ अपने साथ, वरना फिर लोचे में फंसोगे ऐसे जैसे मैं फंसाऊँ, ये गजब ग्लिच भाई, पता नहीं क्या कर रहे भाई, एक मिनट को केव के अंदर चल के देखते हैं। अरे अंकल कैसे हो, स्ट्रेंथ दे दो यार प्लीज़, नगेट नहीं चाहिए भाई स्ट्रेंथ चाहिए मेरे को, मैं कैसे लाना भूल गया मेरे को खुद को, अरे गजब ग्लिच है भाई ये गेम का, गजब ग्लिच है, मत जाओ कहीं मत जाओ। बाइसिकल गैंग, अरे भैया कैसे हो, हेलो सर हाउ आर यू मैन, सब मस्त दिख रहे हो यार, सब मस्त दिख रहे हो, आ गए सर बैटल करने, यही बाकी रह गया था, सब बैटल करने आ जाते भाई मेरे से, ब्लेस किक मार तो, आइस फैंग से क्या होगा, फायर के ऊपर आइस मार लो, अरे अब मारे सही अटैक फिन कर दिया, आ जाए इंसान रोज, इसको बता दो क्या होगा, फ्लेम थ्रो मारिक पटक के जला के भस्म कर दे यार। देख मेरा भाई भाई मूड ख़राब है भी, मेरा को कुछ बोल मत भाई, एक तो वैसे ही मैं स्ट्रेंथ नहीं लाया भाई, अब मेरे को जाने को भी नहीं मिल रहा, तो अब आगे कैसे क्या होगा क्या मालूम, फंस चुका हूँ मेरे ख्याल से मैं अभी, अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग गर्म हो रहा है भाई, मतलब अगर मेरे को नहीं जाने वाला कांटो में तो फिर मेरे को वापस से ये गेम खेलना पड़ेगा, मतलब वही से मैं सेव तो नहीं करूँगा भाई, सेव करूँगा तो पूरा गेम बर्बाद हो जाएगा, इसके लिए पूरा इधर से रिस्टार्ट मार दूँगा भाई, मतलब हद है यार, कैसे क्या हो गया क्या मालूम भाई। इलेक्ट्रीम जी मार दे भाई, मार दे मत रख, पोकेन सेंटर बगल में ये करवा लेंगे मतलब हीलिंग, और कौन, अरे कितने लोग है भाई, पूरी पूरी पलटन ही भिड़ोगे, अरे नार कौन है भाई, नारवेल
बेहतरीन लुक है भाई इसका, थंडर बोल्ट फेंट फेंट, अरे रे 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 भाई, फेंट 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 फेंट, अरे भैया, अरे रिकॉइल्स फेंट हो गया भाई, काफ़ी बेहतरीन दिख रहा था बुकमैन। अरे यार और भी लोग, पूरी पलटन ही भिड़ेगी यार मेरे साथ। फरेली फरेली गेटे सॉरी, थंडर मार 1 8 1 8 1 8 79 लेवल भाई, मजाक चालू है क्या इधर? नहीं 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 अभी मजाक चालू है भाई इधर, मजाक सच में 79 लेवल कुछ होता है यार, मजाक कर रहे हो क्या? नहीं नहीं अरे रे भाई, अरे रे 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 रे, नहीं 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 क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता अभी, कुछ भी नहीं हो सकता। फ्लायर ब्लिट, नहीं 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 नहीं, ओके फेन कर फेन कर फेन कर फेन कर, अरे वाह चलो हो गया। फ्रेलीगेटर हिला दिया भाई मेरे को, हिला के रख दिया। ये कौन है भाई, डायमंड? अबे कहाँ से लेके आ रहा है भाई, कहाँ से उठा के ला रहा है? ग्रीन इंजा भाई, तो ये अच्छा हो गया इंजा को बचा के रखा था मैंने, एस ग्रीन इंजा मेगा स्टोनेक से रिएक्ट करके बन चुका है एस ग्रीन इंजा। इसको 1 हिट कर दे वाटर इन जी से, पेन 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 पेन, नहीं हुआ, नहीं नहीं ग्रीन इंजा नहीं, चलो ठीक है। डॉक टॉम फेंट फेंट, नहीं नहीं, ओ माय गॉड, ओनली वॉटर टोटल इज लेफ्ट एंड अब तो ख़त्म है भाई अपन। वाटर इम जी लग जा, अरे लग जा, फेंट हो जा फेंट हो जा, अरे भैया वो भाई स्केल बैस नहीं सिखाना, ये भी इवॉल्व हो जाएगा अभी। एवोल्यूशन इज जस्ट हैपन भाई, आज का अपना दूसरा एवोल्यूशन भाई, म्यूटो ने धोया उसके बाद सेकेंड अपना पोकेन इवॉल्व हो रहा है भाई, ब्लास्टोइस बन रहा है इवॉल्व के, वॉटरल इज इवॉल्विंग टू ब्लास्टोइस एंड बूम 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 सकलक बूम बूम। ये देखो भाई ब्लेजिगन एंड ब्लास्टोइस भाई, इवोल्यूशन ही इवोल्यूशन भाई, ड्यूअल एवोल्यूशन। अब जो मेरा सकी भाई वो पूरा हो जाए भाई, अब फटाफट मैं जाता हूँ उस लड़की को बचाने, अगर उसके बाद कुछ होता है फिर देखते भाई, बिकॉज स्ट्रेंथ नहीं है मेरे पास अभी, स्ट्रेंथ नहीं है तो फिर अभी बात नहीं बनेगी भाई। और उसके बिल के दोस्त को वो स्टोन चाहिए भाई, जो स्टोन आइलैंड 1 पे वो मतलब उस केव में मिलता, बट वो केव में भाई लिटरली हमें कुछ करने के लिए भाई स्ट्रेंथ की पूरी ज़रूरत है। चिम पोका जो भी नाम हो, का पोका ई का पोका, अरे नहीं भाई वाइल्ड पोकेन मत परेशान के, बेल आर्बिटर नहीं पकड़ने वाला मैं तेरे को, ऐसा वैसा ट्रेनर समझता है क्या मेरे को तू? तेरे जैसे फुद्दू पोकेन को पकड़ के मैं क्या करूँगा? ओके बच गया, लड़कियों से बच गया, छोटी बच्ची लोग ज़्यादा परेशान नहीं करती, ये देखो बड़ी लड़की बहुत परेशान करेंगी, बड़ी लड़कियाँ बहुत परेशान करती हैं, छोटी लड़कियाँ थोड़ी कम परेशान करती हैं। लिटन भाई कौन से पागल खाने से आए हैं भाई ये लोग, मतलब इतना बड़ा हो गया, मतलब इतना हाई लेवल हो गया फिर भी लिटन है भाई। अबे कम से कम टोरा कैट तो बना देती, लड़कियों के अंदर भेजा उनको घुटने में होता है ना भाई, दिमाग उनके घुटनों में होता है, वो प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। ओह माय गॉड ज़ैक्रोम कहाँ से कैसे, म्यूटू ज़ैक्रोम भाई क्या मतलब, कौन से नशे करके कहाँ से आ रहे ये लोग, कैसे पॉसिबल यार? इसे नन्ने 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 मुन्ने ट्रेनर के पास लेजेंडरी लेजेंडरी पोकेन आ रहे भाई, मैं तो देख के शौक हो गया हूँ, एक क्या मतलब कहाँ से क्या गुण खिला के ये लोग के पास आए पोकेन, गलत टाइम पे अटैक मिस होता ना भाई, बहुत जलती है, जलती रहती है भाई। गैस्ट्रोडॉन के लिए मेरे को करना पड़ेगा ना, तो कौन सा वाला है ये, ग्रास वाटर है क्या, पता नहीं ग्रास वाटर ही लग रहा है मेरे को। काम करते पिकाचू एक फ्लेयर ब्लिस मारते जो कि ज़्यादा डैमेज देता है, रिकॉइल खाता ना इसके लिए, हाँ ज़्यादा डैमेज दे रहा भाई, थोड़ा रिकॉइल खा लेंगे ना भाई, थोड़ा डैमेज तो लेंगे। अबे मत कर रिकवर इसकी, तो भाई इतना दिमाग ख़राब होता ना ऐसा चीज़ देख के, मेरा मन करता पटक दूँ मोबाइल, हिल जाता भाई मेरा ऐसा, ये गंदा काम करते हैं ना लोग, रिकवर रिकवर भाई सब मूड ख़राब होता है यार पूरा। अब क्यों मार रहा है, अब करना रिकवर, भैंस की टांग तेरे, मैं दिमाग हिल जाता भाई, जगह छोड़ देता मेरा दिमाग, बोलता नहीं रहना मेरे को पोपड़ी में, ख़राब हो रहा हूँ मैं। अबे रिकवर रिकवर टाइम बर्बाद होता है बस, और कुछ नहीं, इरिटेशन होता है कुछ नहीं होता कभी, मैं भाई बहुत गुस्सा आ जाता मेरे को पता है, इतना मन करता ना मारूँ पटक के, सामने आते रहो इतना मार मारूँगा ना भाई ऐसा वायलेंट होने का मन, वायलेंट ही हो जाता भाई, तो भाई गुस्सा आता है यार, क्यों करते हो भाई ऐसा, क्यों करते हो, इज्जत से बैटल करूँ ना, क्यों ऐसा, क्यों चुल मचिए? एक तो मेरे पोकेमोन गए ले सबके सब, इतना फेंट हो जाते कहीं पर भी, उनकी गलती नहीं है वैसे, एक तो मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है उसकी वजह से, और भाई अभी थोड़ा सीरियस हो गया कंडीशन,
नहीं ये स्ट्रेंथ अब समझ में नहीं आ रहा मेरे को, वापस से क्या करना पड़ेगा क्या मालूम भाई। अरे भाई हो जा भाई हो जा। एक तो लड़की लोग पकड़ लेती भाई, पता नहीं क्यों। मैं हैंडसम हूँ मेरे को पता, बट मैं नहीं पटने वाला तुमसे, क्यों पकड़ रहे हो मेरे को। मेरे को पता मैं हैंडसम हूँ बट नहीं पटना पाओगे तुम मेरे को, क्यों भाई क्यों, फिर क्यों चुल मची, मेरे को मत पकड़ो। मैं बोल रहा हूँ क्या लोग, अबे हैंडसम बंदा दिखा नहीं भाई, लाइन मारना शुरू हो जाती है। यहाँ पे तो लाइन भी नहीं मार रहे, सीधा पकड़ के चिपक जा रही है भाई। ऐसा मत करो यार, मत करो ऐसा, प्लीज़ मत करो ऐसा। बी नेगेटिव इन द लाइफ, बी नेगेटिव। पॉजिटिव हो गए तो कोरोना पॉजिटिव हो गए भाई। पता है कोरोना के टाइम पे कोई बोलता नहीं था बी पॉजिटिव, मैं तो सबको बोलता था बी नेगेटिव भाई, बी नेगेटिव बी नेगेटिव। अब बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप में समझ लेना, बी नेगेटिव। ज़िंदगी में कभी पॉजिटिव मत होना भाई, ऐसा ट्रेंड रहता ना पूरी भाई, सब पूरे जवान की सबके बदल दिए थे भाई कोरोना ने, सबको हिला के रख दिया था भाई। पॉजिटिव पॉजिटिव दिन भर बोलते थे ना, वो खुद नेगेटिव नेगेटिव चिल्लाते थे। ऐसा काम किया था ना भाई कोरोना ने, हिल गई सब, पूरी दुनिया हिल गई थी। बताओ अभी ऐसे पोकेमॉन ऐसा गंदा काम करते ना, तुमको पता नहीं मेरे पास रे पहले हाँ गुस्सा दिलाते हो यार। अरे लड़की है भाई, चलो अब इससे ही उम्मीद है भाई, अब इस शायद कुछ हो जाए। हाँ मेरे को पता है गोश्त क्या नाम है इसका, हाँ हिप्नो। चलो अच्छा हो इसका लेवल कम है, बहुत बढ़िया। थैंक्स थैंक यू लॉट, वैसे बाद में बोलना प्लीज़, मेरे को कुछ पास वगैरह दिलवा दो प्लीज़ सर, लेट हेल्प मी सर प्लीज़ सर। मेट्रोराइट ओके, मूनस्टोन प्लीज़ सर हेल्प मी, मैं बहुत टेंशन में हूँ। नहीं मेरे को कुछ नहीं करना, बहुत शुक्रिया मैम। ये बचुआ चल जान दे भाई, रहने रहने दे आराम करने, इसको हीलिंग करा ले तो एक बार आए हो तो। अब यहाँ पे मेटल पॉट बैठा हुआ है, मेरे को लग रहा है ना वो कुछ ग्लीच है भाई। अब मेरे को नहीं छेड़ना चाहिए उसको, अगर कुछ ग्लीच हो गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी भैया। वन आइलैंड देख भाई, कुछ हो जाए प्लीज़, कुछ हो जाए भाई, मेरे को पास मिल जाए वर्मिलियन सिटी का, वरना ये गेम भाई। अरे वाह 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 वाह, आई थिंक मेरे को पास मिल जाएगा अब। ये क्या, अरे ये वजन डेट लॉन्ग क्रिश। ओके ओके भाई पास मिल गया भाई मेरे को, अपे अपन खुद ही आ गए यहाँ पे यार, लिटरली यार गजब गजब हो गया भाई, गजब हो गया। मेरे को क्या लगा पता है, देखो जो टीम रॉकेट के बंदे हैं ना भाई, वो मेरे को लगा कि वहाँ से जान नहीं देंगे भाई मेरे को, बट तीसरे आइलैंड पर जैसे मैंने छोकरी को बचाया, मतलब जैसे उस गर्ल को सेव किया, वैसे ही भाई बिल ने मेरे को ला के यहाँ पे छोड़ दिया, और अब भाई मैं यहाँ से जाके ले सकता हूँ स्ट्रेंथ। अभी ज़रूरत क्या है, अभी थोड़ी भी ज़रूरत है, अभी नहीं जाएंगे, एक मिनट रुको पहले सब। यहाँ पर सिर्फ रेपल मिलता है भाई, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता यार, क्या ऐसा थोड़ी होता है यार, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। ओके लेट्स गो टू द फूशा सिटी, पहले चलते भाई, एक बार जो गलती हो गया ना उसको सुधार दो, उसी टाइम सुधार दो भाई। अंकल तेरा सोने का दांत ले ले यार, तू ले ले यार। ओके मैं एकदम डर गया था भाई, बता आइलैंड पे मेरे को क्या लगा था, गेम को फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो मेरे को क्या लगा था कि अगर वो टीम रॉकेट के बंदे को हटा दिया मैंने, बट अगर वहाँ से मैं वो जो आइटम वहाँ पे जो मिलता है ना स्टोन एक, अगर वो मैं भाई बिल के दोस्त को ला के नहीं दूंगा तो फिर वो मेरे को आगे भाई गेम कंटिन्यू करने नहीं देगा। बट तीसरे आइलैंड पे उस बच्ची को बचाने के बाद अपन को भाई वर्मिलियन सिटी आने का वापस से ऑप्शन मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छी बात है भाई। ओके गाइस मेरे ख्याल से आज का अपना जो वीडियो है ना भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तो अभी के लिए भाई बस इतना ही करते गाइस। कैसा लगा आपको आज के वीडियो में वो कमेंट करके जरूर बताना, आई होप आप सभी लोगों को भाई पसंद आया होगा आज का वीडियो। मिलेंगे गाइस के लिए एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर जितने लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी बस गाइस आज के लिए इतना, कल मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय आप सभी को एंड हैव अ गुड डे।